वैसे तो दुनिया आर्ट और आर्टिस्ट से भरी पड़ी है, लेकिन अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अपने विजन को एक पेंटिंग में उतारने के लिए बेहद काबिल आर्टिस्ट का होना जरूरी है। इस वीडियो में हम दुनिया की 10 सबसे फेमस पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। इन पेंटिंग्स को देखने के बाद आप इन्हें बनाने वाले आर्टिस्ट की तारीफ जरूर करोगे। नंबर 10, द स्कूल ऑफ एथेंस। इटालियन रेनेसंस के दौरान बनाया गया ये मास्टरपीस रेनेसंस की सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स में से एक है। इस इटली के महान पेंटर रेफेल ने 1509 से 1511 के बीच बनाया था। पेंटिंग में एंशंट ग्रीक फिलोसफी और फेमस फिलोसोफर्स को दिखाया गया है। ये जो बीच में दो व्यक्ति हैं, ये प्लेटो और एरिस्टोटल हैं। ये पाइथागोरस है। ये पेंटिंग वेटिकन सिटी के अपोस्टोलिक पैलेस में रखी है। नंबर 9, द बर्थ ऑफ विनस। इटालियन रेनेसंस का एक और मास्टरपीस। पेंटिंग में गोडस विनस के बर्थ को दिखाया गया है। गोडस विनस एक खूबसूरत औरत के रूप में समुद्र से निकलती है और समुद्र के किनारे पर आती है। विनस का सुंदर चेहरा और शाही पोस्चर पेंटिंग का सबसे अहम हिस्सा है। इस पेंटिंग को इटालियन आर्टिस्ट सैंड्रो बोटिचेली ने 1480s में बनाया था। ये पेंटिंग इटली के फ्लोरेंस की उफिजी गैलरी में रखी है। नंबर 8, द स्क्रीम। इसे नॉर्वे के पेंटर एडवर्ड मंक ने 1893 में बनाया था। पेंटर ने कहा था कि एक दिन वो सनसेट के दौरान टहलने निकले थे, तभी अचानक सूर्य के प्रकाश ने बादलों को खून की तरह लाल कर दिया। पेंटर कहते हैं कि उस समय उन्होंने प्रकृति से गुजरने वाली एक अनंत चीख को महसूस किया और उस दिन उन्होंने जो डर महसूस किया था उसी का दृश्य उन्होंने इस पेंटिंग में उतारा है। द स्क्रीम उन चुनिंदा पेंटिंग्स में से है जिनको एक्सप्रेशनिज्म स्टाइल में बनाया गया है, मतलब इमोशंस की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है और रियलिटी को ब्लर किया गया है। 2004 में इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था। पेंटिंग 2 साल तक मिसिंग रही और 2006 में इसे रिकवर कर लिया गया। ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो की नेशनल गैलरी में रखी है। नंबर 7, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। इस पेंटिंग को 1931 में स्पेनिश पेंटर सैल्वाडोर डेली ने बनाया था। इसे हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टवर्क माना जाता है। पेंटिंग में सॉफ्ट मेल्टिंग क्लॉक्स दिखाई गई हैं। पेंटिंग का उद्देश्य लोगों का ध्यान उनकी लाइफ और टाइम की तरफ लेकर जाना है। कहा यह भी जाता है कि ये पेंटिंग आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से इंस्पायर थी। ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में रखी है। नंबर 6, ओलंपिया। पेंटिंग में बेड पर लेटे हुए एक न्यूड वुमन को दिखाया गया है जिसका नाम ओलंपिया है। उसकी सर्वेंट उसको फ्लावर्स देने के लिए खड़ी है जो ओलंपिया के लिए किसी द्वारा भेजे गए हैं। जब पेंटिंग को 1865 में पहली बार प्रदर्शित किया गया तो पेंटिंग को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। उस समय की ऑडियंस को जिस बात ने हैरान किया वो ओलंपिया की न्यूडिटी नहीं थी। पेंटिंग विवाद में आने का कारण था ओलंपिया की कन्फ्रंटेशनल गेज और कुछ चीजें जो उसे एक प्रोस्टिट्यूट की तरह दिखा रही थी। इस पेंटिंग को फ्रेंच पेंटर एडवर्ड मनेट ने 1863 में बनाया था। पेंटिंग का सब्जेक्ट काफी कॉन्ट्रोवर्शियल होने के बावजूद पेंटिंग ने काफी नाम कमाया। ये पेंटिंग पेरिस के म्यूजी दी ओरसी आर्ट म्यूजियम में रखी है। नंबर 5, गर्निका। ये पेंटिंग पिकासो की मोस्ट फेमस पेंटिंग है। ये पेंटिंग स्पेनिश सिविल वार के दौरान स्पेन के गर्निका शहर में हुई बॉम्बिंग को दर्शाती है। पेंटिंग में वायलेंस और लोगों और जानवरों की सफरिंग को दिखाया गया है। 1937 में स्पेनिश सिविल वार के दौरान
पिकासो ने इस पेंटिंग को बनाया था। इसे हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट एंटी वार पेंटिंग माना जाता है। ये पेंटिंग स्पेन के म्यूसियो रीना सोफिया नेशनल म्यूजियम में रखी है। नंबर 4, द स्टारी नाइट। इस पेंटिंग को डच पेंटर विंसेंट वैन खोग ने 1889 में बनाया था। पेंटर जब एक सैनिटेरियम में रहते थे तो एक दिन उनके रूम की खिड़की से जो दृश्य दिखाई दे रहा था उसी का दृश्य उन्होंने इस पेंटिंग में उतारा था। ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में रखी है। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ एडम। इस पेंटिंग का नाम हिस्ट्री की मोस्ट रिलीजियस पेंटिंग्स में शुमार है और हाई रेनेसेंस की मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग्स में से ये एक है। ये पेंटिंग वेटिकन की सिस्टिन चैपल सीलिंग का हिस्सा है। इसे मिकलांजलो ने 1508 से 1512 के बीच बनाया था। पेंटिंग दिखाती है बाइबल की कहानी के अनुसार कैसे गॉड ने एडम को पैदा किया। बाइबल के अनुसार एडम को दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। नंबर 2, द लास्ट सपर। इस पेंटिंग को दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने लेट 15th सेंचुरी में बनाया था। इस पेंटिंग में जीसस को सूली दिए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया गया है। वो अपने 12 शिष्यों के साथ बैठे हैं। पेंटिंग में उस दृश्य को दिखाया गया है जब जीसस अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। अगर आप इस पेंटिंग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है। इससे पहले कि नंबर 1 पेंटिंग की बात करें, कुछ फेमस पेंटिंग्स का जिक्र कर लेना जरूरी है जिनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका। गर्ल विद पर्ल इयररिंग, विस्लर्स मदर, नाइट वॉच,